नमस्कार, आर्यावर्त टीवी के समाचार अंक में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के राजनीति इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए पहली बार दिल्ली की 3 राज्यसभा सीटों में से 2 सीटें वैश्य अग्रवाल एवं व्यापारी वर्ग को प्रदान किए जाने पर वैश्य अग्रवाल एवं व्यापारी वर्ग द्वारा रविवार 18 फरवरी को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में विशाल आभार समारोह आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राज्यसभा में नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा, सभी राजनीतिक दलों द्वारा वैश्य अग्रवाल समाज एवं व्यापारी समाज को उपेक्षित करने का प्रयास किया गया एवं दिल्ली से ऐसे लोगों को राज्यसभा में भेजा गया जिनका दिल्ली की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं रहा। 18 फरवरी को रविवार के दिन सुबह 11 बजे माननीय अरविंद केजरीवाल जी का हमने एक आभार समारोह रखा है, वो समूचे व्यापारी समाज की तरफ से। दिल्ली का जो व्यापारी समाज है और वैश्य कम्युनिटी विशेषकर पूरे हिंदुस्तान की, इस बात को लेकर बहुत आनंद महसूस कर रही है कि इतिहास में पहली बार संसद के अंदर राज्यसभा के माध्यम से दिल्ली में 3 में से 2 व्यापारी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिला। इसके विपरीत अरविंद केजरीवाल जी को जब राज्यसभा में अपने प्रतिनिधि भेजने का मौका मिला तो उन्होंने 3 में से 2 सीटें वैश्य अग्रवाल समाज को योग्यता एवं अनुभव के आधार पर प्रदान की, जिससे दिल्ली की जनता की आवाज़ संसद में प्रभावी तरीके से उठाई जा सके। समारोह के मुख्य संयोजक एवं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देशबंधु गुप्ता ने बताया, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल समारोह के अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुशील गुप्ता के साथ नवनिर्वाचित सांसद श्री एनडी गुप्ता एवं श्री संजय सिंह का भी समारोह में वैश्य अग्रवाल समाज एवं व्यापारी समुदाय द्वारा सम्मान किया जाएगा। समारोह में अनेकों मंत्री एवं विधायकों के सम्मिलित होने की संभावना है। 50 से अधिक सामाजिक धार्मिक संस्थाओं द्वारा इस समारोह को सफल बनाने के प्रयास किया जा रहा है। संसद के अंदर और संसद के बाहर आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके सभी विधायक और सभी मंत्री लगातार लड़ रहे हैं, इसलिए व्यापारी उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। सर, तीनों ही पार्टी व्यापारी के हक में है, आप फिर भी सीलिंग रुक नहीं रही है, क्यों? नहीं, अगर ये हक में होते तो अभी तक अध्यादेश जारी हो चुका होता। इनकी नीयत खराब है, ये इस सीलिंग का पहले ठीकरा अरविंद केजरीवाल जी के सिर पे फोड़ना चाहते थे, जो पर्दाफाश हो गया। दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ DDA और MCD का कार्य है, जो दोनों ही भारत सरकार के अधीन आती है। भारत सरकार इसके ऊपर एक्शन ले, और अगर भारत सरकार इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है तो दिल्ली की जनता इसका जवाब चुनाव के माध्यम से देगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा DTC बसों में CCTV कैमरा लगाए जाएंगे जिससे महिला सुरक्षा या और अपराधी गतिविधियों को रोका जाएगा, लेकिन अभी तक वो मैंने अभी आपको बताया कि कैमरे की हमारी फाइल लटकी हुई थी उपराज्यपाल महोदय के बाद, अब आ चुकी है तो उसको हम प्रोसीड कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आपने यही कहा था कि मैं आपको राजनीति से सामाजिक कार्यों में क्यों करूंगा, फिर ये एकाई परिवर्तन कैसे होगा? नहीं, मैं सामाजिक कार्य, देखिए मैं सामाजिक कार्य ही कर रहा हूँ 100%। सामाजिक कार्य शिक्षा और चिकित्सा, इससे बड़ा समाज का कार्य हो नहीं सकता। मैंने संसद के अंदर भी पहले दिन बोला था कि मुझे मालूम नहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के अंदर अल्लाह खुदा वाहेगुरु है या नहीं है, परंतु जो मनुष्य का शरीर है इसमें आत्मा के रूप में खुद परमात्मा रहती है, और इससे चलता फिरता मंदिर है, इसकी सेवा के लिए हमें जो करना चाहिए वो जरूर करेंगे और उसी कार्य के अंदर में लगाऊं। सर, अभी आम आदमी पार्टी के विधायकों को अचानक से इलेक्शन कमीशन की तरफ से हटा दिया गया था पद से, की कह रहे थे लापद के मामले, इन्होंने लापद वो कर दिया है तो, और वो सबसे बड़ा अलोकतांत्रिक कदम था भारत सरकार का और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो अपने रिटायरमेंट से 2 दिन पहले एक ऐसा अवैध निर्णय दे के गया, उसके खिलाफ हम हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट में केस पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, रहती है। दिल्ली सरकार खुद चिंतित रहती है, परंतु लॉ एंड ऑर्डर भारत सरकार का हिस्सा है। दिल्ली पुलिस के लिए हम भारत सरकार को कई बार लिख चुके हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी हम कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकारों को ये पुलिस मिलनी चाहिए ताकि हम लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को बेहतर कर सकें।
जो 18 फरवरी का कार्यक्रम कुछ डिटेल बता रहे 18 फरवरी को दिल्ली के सभी व्यापारी और वैश्य अग्रवाल कम्युनिटी मिलकर माननीय अरविंद केजरीवाल जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने व्यापारियों को संसद में प्रतिनिधित्व दिया, व्यापारियों के हित के लिए सीलिंग के विरुद्ध संसद के अंदर और संसद के बाहर लड़ाई लड़ी। दिल्ली के व्यापारियों में जब वैट की प्रणाली थी तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ से इंस्पेक्टरी राज खत्म किया, दिल्ली का वैट सारे हिंदुस्तान से कम किया। हर सरकार प्रतिवर्ष वैट बढ़ाती है, दिल्ली सरकार ने प्रतिवर्ष वैट को घटाया था। सर, अभी तक आपने जो पक्ष में कांग्रेस में रह करके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आंदोलन किया था, अब उनके साथ हो रही, ऐसा क्यों प्रबंध? देखिए, मैंने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं किया। दो देखिए, वो मेरे नाम से किसी ने लगा दिए हो, मैंने पहले दिन जब मैंने कांग्रेस से रिजाइन किया था उस दिन भी मेरे से पत्रकारों ने पूछा था कि आपने ऐसी बात की है क्या। मैंने उस दिन भी बताया था 2010 के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर मैंने एक बुक लिखी थी, आज भी वो बुक यहाँ पे है। 2013 के अंदर और 2015 के चुनाव में मैंने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए मना किया था 2015 में, और उनकी नीति से मैं प्रभावित हूँ, विशेषकर शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर और गरीब व्यक्ति के भलाई के लिए अरविंद केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं वो अपने आप एक अनूठा उदाहरण है। सर, मैंने सरकार की रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है? दिल्ली सरकार की रिपोर्ट कार्ड कल दिल्ली सरकार ने पेश किया और मैं समझता हूँ कि दिल्ली की आम जनता, देखिए दिल्ली में गरीब व्यक्ति को बिजली सारे हिंदुस्तान से सस्ती मिलती है, दिल्ली में 6000 लीटर पानी गरीब व्यक्ति को मुफ्त मिलता है, दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में गरीब या अमीर कोई भी व्यक्ति जाए उसको दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं। अगर सर्जरी एक महीने तक सरकारी हॉस्पिटल में ना हो पाए तो दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके कराए, पैसा दिल्ली सरकार देगी, इससे ज़्यादा और सुविधा क्या चाहिए। मैं समझता हूँ दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंदर जितनी भी बातें हैं, आज दिल्ली सरकार ने डोर स्टेप पे जाके अपने सर्टिफिकेट्स लोगों के घर में भेजने की योजना शुरू करी, दिल्ली सरकार ने राशन लोगों के घर पे भेजने की योजना शुरू करी, जिसको देख के मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान की सरकार को सबक लेना चाहिए, बाकी राज्यों को इससे सीख लेनी चाहिए। आपने कहा था कि शिक्षा चिकित्सा क्षेत्र में आज कार्य करना था, और क्या योजना जब सरकार में आ गए हैं अब क्या योजना है शिक्षा चिकित्सा क्षेत्र में? शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र और जो बेहतरी हो सकती है हम उसमें पूरा प्रयास करेंगे। मैंने ही पूछा था कि अब अगले मुख्यमंत्री मैंने शिक्षा मंत्री आप होंगे क्या? नहीं नहीं, शिक्षा मंत्री तो जो भी सरकार बना रखा है, माननीय मनीष सिसोदिया जी हमारे शिक्षा मंत्री हैं, दुनिया अभी हार्वर्ड के अंदर उनकी तारीफ हुई है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाके वो लेक्चर दे के आए हैं और सारी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। उन्होंने शिक्षा का स्तर दिल्ली के अंदर इतना ऊंचा उठा दिया कि सारे देश के जो बाकी मुख्यमंत्री हैं उनसे सबक लेने की बात करते हैं।